आज की वीडियो में आपको मैंने सिर्फ जो बताया है वो यही बताया कि प्रोस्टेट का कनेक्शन ये मसाने की गर्मी, हंस मैथुन, चिपचिपे पानी, डिप्रेशन, पेट खराब रहना, नींद की प्रॉब्लम रहना, इन सारी चीज़ों से है। तो प्रोस्टेट इतनी नाजुक चीज़ है कि कब उसमें कैंसर बन जाए इंसान को पता नहीं चलता, और बहुत बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होनी शुरू हो जाती है जब तक ये डायग्नोज होता है कि आपको प्रोस्टेट में कैंसर हो गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है प्रोस्टेट कैंसर, और इसके अलावा प्रोस्टेट से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में बात करेंगे, और क्या इनका कनेक्शन हंस मैथुन से, मास्टरबेशन से, चिपचिपा पानी, दांत की परेशानी, क्या ये भी कनेक्शन है प्रोस्टेट का। अगर हमें अपनी जान के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी भी फिक्र है तो ये प्रोस्टेट को लेकर ना अपनी नॉलेज बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिटेल में आज इस बारे में बात करते हैं। चार पांच चीज़ें हैं बॉडी की जो इंटरकनेक्टेड हैं, यानी ब्रेन, पेट, हमारा सेक्सुअल सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पेशाब स्टोर होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड। इस कनेक्शन को समझते हैं। बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि चिपचिपा पानी आ रहा है, दांत की परेशानी बन रही है, हमने बहुत ज़्यादा हंस मैथुन करा है या सेक्स बहुत ज़्यादा करा है, इसकी वजह से अब ये पानी की शिकायत आनी शुरू हो गई है, इसको कैसे ख़त्म करें, और इसकी वजह से अब तनाव भी कम हो गया है, सेक्स करने का भी मन नहीं करता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए से पहले ये जानना है कि इसकी वजह से क्या क्या डैमेज हुआ है बॉडी को। और तो पहली चीज़, ज़्यादा मास्टुबेशन करने से, ज़्यादा हंस मैथुन करने से नसें तो कमज़ोर हो ही जाती हैं, साथ में मसाने की गर्मी बढ़ती है, यानी कि आज जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये स्क्रीन पर आप देखिए कहाँ पर है, ये यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पास है, और जब प्रोस्टेट के ऊपर फर्क आता है, प्रोस्टेट एनलार्ज होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है प्रोस्टेट, तो ये ब्लैडर को भी पुश करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से पेशाब कम आने लगता है या पेशाब आने में परेशानी होने लगती है। अब ये प्रॉब्लम क्या करती है, क्योंकि पेशाब सही से नहीं आ रहा है, धीरे 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 ये किडनी को इम्पैक्ट करना शुरू करता है, यूटीआई बनना शुरू हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि इसका असर किडनी के ऊपर भी पड़ रहा है, तो किडनी का काम है खून से पेशाब को अलग करना। जब पेशाब सही से नहीं हो रहा है तो इसका असर किडनी पर आता है, और सेम ब्लड जो कि अभी प्योर नहीं हो पाया पूरी तरह से, इम्प्योर फॉर्म के अंदर ही पूरी बॉडी में घूम रहा है, ये पहुंचता है हमारे ब्रेन तक। जब ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्लड ही होता है जो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाता है, तो पूरी तरह से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें ब्रेन को नहीं मिलती। बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे जिसके अंदर इंसान अपने दिमाग का जो बैलेंस है वो खोना शुरू कर देता है, बैलेंस यानी कि वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कुछ भी अचानक बोलने लगा। जब उनको लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचे तो पता चला इनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड इनका बढ़ा हुआ है, और इनका जो ब्लड है वो साफ नहीं हो पा रहा है, किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है। ये सब कहाँ से हो रहा है? प्रोस्टेट के बढ़ने से। प्रोस्टेट क्यों बढ़ा, अब इस टॉपिक पर बात करते हैं। मेरी अपनी स्टडी के हिसाब से कुछ रीजंस मुझे नजर आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा एक रीजन ये दिखा है कि जो गर्मी बन जाती है अंदर, वो किस वजह से बनती है? आपको सेक्स करने की इच्छा है, आपने वीडियोस देखी, पॉर्न वीडियोस देखी, इस तरह का कोई ख्याल आया, किसी गर्लफ्रेंड से बात करी, कुछ भी करा, तब आपकी बॉडी हीट आनी शुरू हो गई, और जो वो चिपचिपा पानी आता है दैट इज प्रोस्टेट लिक्विड, वो लिक्विड प्रोस्टेट से जनरेट होता है। अब प्रोस्टेट एक्टिव हो गया है, वो लिक्विड बनाना शुरू कर दिया है ताकि जो पेशाब का रास्ता है जहाँ से फाइनली सीमेन को यानी वीर्य को निकलना है उस रास्ते को वो चिकना कर देता है, जिसे प्रीकम कहते हैं या चिपचिपा पानी कहते हैं। ये काम है प्रोस्टेट का, ताकि जब फाइनली स्पर्म्स निकले, जब वीर्य निकले फाइनली, तो वो बिना डैमेज हुए अपना काम कर सके। अब आपने सिर्फ वीडियो देख ली, बॉडी गर्म हो गई, बॉडी हीट हो गई, लेकिन आप पार्टनर के साथ नहीं है, आपने सेक्स नहीं करा, या आपने सिर्फ इस बारे में सोचा, या किसी को देख कर ही आप उत्तेजित हो गए, या किसी से बात करके आप उत्तेजित हो गए, अब फाइनली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो बंदा मास्टरबेशन शुरू कर देगा, हंस मैथुन शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो नेचुरल सेक्स का प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, और उसी की वजह से पूरी तरह से वो जो गर्मी डेवलप हुई है वो निकल नहीं पाती, वो स्टोर होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, जिसको हम मसाने की गर्मी कहना शुरू कर देते हैं, और वही मसाने की गर्मी यानी कि जो सिर्फ यूरिनरी
ब्लैडर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, वो धीरे धीरे प्रोस्टेट के ऊपर असर करना शुरू कर देती है, वही प्रोस्टेट में सूजन आनी शुरू हो जाती है, प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसको पुश करना शुरू कर देता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत डेडली चीज़ है जो धीरे 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 बॉडी के अंदर डेवलप होती है। प्रोस्टेट कैंसर भी इसी तरह से बनना शुरू हो जाता है, बहुत से केसेस ऐसे हैं। तो अब आप ये देखिए, कनेक्शन देखिए, कहाँ मास्टरबेशन और कहाँ प्रोस्टेट कैंसर। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस अपनी स्टडी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर प्रोस्टेट के ऊपर असर होना शुरू हुआ है तो वो धीरे 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 आपके ब्रेन को भी इम्पैक्ट कर सकता है, वो आपकी किडनी को भी इम्पैक्ट करता है। और ये मैंने अभी आपको बताया कि किडनी भी कैसे इम्पैक्ट हो रही है। इसी का कनेक्शन पेट से भी है। जिनको चिपचिपा पानी की परेशानी है, दांत की परेशानी है, या फिर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन आस्तमैथुन कर लिया है, उनका पेट भी ठीक नहीं रहता। बहुत से केसेस ऐसे हैं, या तो कब्ज बना रहता है, या दिन में 2-3 बार जाना होता है, या फिर 2 दिन में 1 बार कभी जा रहे हैं और डाइजेशन अच्छा नहीं है, खट्टी डकार आ रही है और पेट में ब्लोटिंग है, फूला फूला सा पेट रहता है। अब ये प्रॉब्लम ऐड करती है आपकी ब्रेन की प्रॉब्लम में। अब ये देखें, प्रोस्टेट की वजह से दिमाग को भी परेशानी हो रही है, प्रोस्टेट की वजह से आपके ब्लड भी साफ नहीं हो पा रहा, किडनी इम्पैक्ट हो रही है, पेशाब में से खून साफ नहीं हो पा रहा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बन रहे हैं, पेशाब पूरी तरह से नहीं निकल पा रहा, फिर थोड़ा बहुत पेशाब रह जाता है, जैसे पेशाब करने की कोशिश करते हैं तो पूरा खाली नहीं हो रहा ब्लैडर, आपने कोशिश करी फिर भी थोड़ा रह गया। एक और मैं आपको बहुत जरूरी एक सिम्टम बता रहा हूँ जिसके अंदर आता है बार बार पेशाब लगना, या आप जैसे नहाने के लिए गए तो एक थोड़ा सा भी एक मग्गा भी पानी आपने डाला, अपने ऊपर एकदम से टॉयलेट आना शुरू हो गया, ये सब प्रोस्टेट के गड़बड़ होने के लक्षण में से एक है। अब इसको ठीक कैसे करें, इसके लिए देखिए विटामिन सी की बहुत जरूरत है बॉडी को, खासतौर से प्रोस्टेट के अच्छे फंक्शनिंग के लिए विटामिन सी की जरूरत है। और जो फाइबर रिच फूड है, यानी कि जिनमें फाइबर की क्वांटिटी अच्छी है, वो लेना बहुत ज़रूरी है। उसका फायदा बताता हूँ आपको, फाइबर रिच अगर डाइट है आपकी तो आपका प्रोस्टेट भी सही होना शुरू होगा, साथ के साथ आपका पेट भी साफ होना शुरू होगा। तो पेट भी साफ हो रहा है, प्रोस्टेट भी आपका ठीक होता जा रहा है, और इन दोनों का कनेक्शन आपके पेट और ब्रेन से है, क्योंकि अब आपका पेट साफ हो रहा है तो आप जो भी खाएंगे उसका डाइजेशन अच्छा होगा, बॉडी को भी लगेगा, साथ के साथ जो आपके ब्रेन के ऊपर असर है, डिप्रेशन रहता है, मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ों के अंदर आराम होना शुरू होगा। और फिर आप जो भी मसाने की गर्मी के लिए दवा ले रहे हैं जिसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए, वो असर करना शुरू कर देगी। तो आपको बार बार पेशाब आने की परेशानी, चिपचिपा पानी आने की परेशानी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, बाल झड़ने की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम होना शुरू हो जाता है एक ही बार में। मैंने शायद आपने पता नहीं पिछली वीडियोस देखी है नहीं, अगर आप चैनल पर नए हैं पिछली वीडियोस भी देखें, दवा बताई थी सफ़ो मुकबी और एक दवा बताई थी मुल्किज, इनका काम यही है कि इनकी तासीर है ठंडी जो कि मसाने की गर्मी को ख़त्म करते हैं, प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स है उनके अंदर भी बहुत कामयाब है। और जब पेट साफ नहीं होता या डिप्रेशन रहता है या चिड़चिड़ापन गुस्सा, इन सारी चीज़ों पर काम करता है, क्योंकि सेम दवा है जो आपकी जो गर्मी का लेवल है मसाने का उसको नीचे लाता है। उसी की वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की भी अगर परेशानी होनी शुरू हो रही है, प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो रहा है, तो वो भी कंट्रोल में आ जाता है। तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, डिटेल उसमें दे रखी है। इस वीडियो को जरा आप समझें, अपने दोस्त यारों को भेजें जिनको लगता है कि भाई हंस मैदम करने से कुछ नहीं होता, आज हमने 4 वीडियो देख ली, 2 वीडियो देख ली, अब तो मैं बहुत कम करता हूँ या अब तो ना के बराबर करता हूँ, उनको भी ये वीडियो भेजें कि भाई इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, इस चीज़ से बच के रहो। जिन लोगों को आदत पड़ चुकी है वो आदत भी धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाती है हस्बैंड की, कैसे छूटनी है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, कितने ज़्यादा वो एडिक्शन उनको हो चुका है ये सब वीडियोस देखने का, इस ये चीज़ें भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है। नंबर स्क्रीन पे है, आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर इन सब प्रॉब्लम्स में घिर गए, पता चला स्पर्म काउंट भी कम हो गए, अब तनाव भी नहीं आ रहा, स्पर्म्स भी कम बन रहे हैं, आगे फैमिली भी नहीं बढ़ पा रही है, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें शुरू ऐसे ही होती हैं छोटी छोटी करके, पता नहीं चलता कब बढ़ गई, जब तक बढ़ती हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर आप नीम हकीम ढूंढते घूमते रहते हो, किसी ने कोई दवा दे दी 50,000 की, किसी ने 40,000 की दे दी, किसी ने 30,000 की दे दी, उसके बाद भी फायदा नहीं है, आखिर में इंसान इतना डिप्रेशन में रहता है, उसे समझ में नहीं आता करूँ तो करूँ क्या। चीज़ें ठीक होती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, सही दवा मिले आपको, सही गाइडेंस मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले और सही रिसर्च आप खुद भी करें, तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही,
नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको से मैं बात करूंगा कि एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इन सारी चीज़ों से भी कनेक्टेड है, आपकी हेल्थ से भी कनेक्टेड है और आपकी ज़िंदगी से भी कनेक्टेड है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस मेरी थोड़ी कम आती हैं, अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू होंगी, लेकिन जो वीडियो मैं लेकर आता हूँ बहुत रिसर्च के बाद में, बहुत पॉइंट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ। सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जैसे मैंने पहले बताया, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में फिर मुलाकात हुई। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।